उत्तर प्रदेश जनपद के मेरठ जिले में सरधना विधायक संगीत सोम के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग व हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। इस दौरान स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 4-5 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और विधायक के घर पर हैंड ग्रेनेड फेंका गया। हादसे के वक्त विधायक घर पर ही मौजूद थे। विधायक के घर पर हमला होने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे बम स्क्वाड और पुलिस के हमले ने विधायक संगीत सोम के घर पर हैंड ग्रेनेड और कारतूस के खोखे बरामद कर लिए हैं। अहम बात यह है कि भाजपा विधायक संगीत सोम को जेड प्लस सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हमलावरों ने घर पर हमला बोल दिया। विधायक की जेड प्लस सिक्योरिटी में 22 सुरक्षाकर्मी और 5 एनएसजी कमांडो तैनात हैं। आपको बता दें कि 2017 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इसके बाद उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा के साथ सीआरपीएफ का घेरा उपलब्ध कराया गया था। दोनों मिलाकर जेड प्लस की सिक्योरिटी हो जाती है और घटना के समय भी जेड प्लस की सिक्योरिटी में 31 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, फिर भी हमला हुआ। इस हमले के बाद 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों से बात नहीं हो पा रही, अभी यहाँ से निपट के मैं अधिकारियों से बात करूंगा, तभी आपको कुछ बताने की स्थिति में रहूंगा। मुझे लगता है कुछ पुलिस के हाथ तो कुछ तो क्लू लगे हैं, ऐसा मेरी जानकारी में है। अभी पुलिस से मेरी बात नहीं हुई, बाकी आप मीडिया के लोगों के थ्रू ये पता लग रहा है और जैसा भी होगा आपको बताऊंगा। अच्छा विधायक जी, मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से चिट्ठी दी गई है सहारनपुर के स्टेशन पर आने की, लश्कर की चिट्ठी एक जारी हुई है, क्या माना जाए कहीं ना कहीं किसी साजिश का भी? नहीं, बिल्कुल यही जाँच का विषय है, कोई साजिश बड़ी साजिश तो नहीं है और बड़ी ही होगी अगर ग्रेनेड फेंका जा रहा है और ऑटोमेटिक वेपनों से हमला हो रहा है और जेड सुरक्षा के बाद हो रहा है, तो कोई बड़ी ही साजिश होगी, लेकिन हमारी पुलिस उस साजिश को नाकाम करने में सक्षम है, वो करेगी। विधायक जी, सरकार आपकी है, आप विधायक हैं, जहाँ जिस जगह आप रह रहे हैं उस जगह छावने कहते हैं, यहाँ तो परिंदा फंडी मारता है लेकिन शिफ्ट कार में आते हैं हमलावर और आप हमला करके चले जाते हैं, कितनी लापरवाही मानते हैं पुलिस की? आपका गार्ड भी निलंबित किए गए? हाँ, मेरी जानकारी में हुआ कि गार्ड निलंबित किए गए। गार्ड का थोड़ा था कि अगर गार्ड फायर करता, मान लो सामने से कोई गोली चला रहा जवाबी फायर अगर करता, तो शायद कुछ मनोबल सामने वाले का टूटता, पकड़े जाते, गिरता, कोई किसी को लगती, तो वो अपनी प्रशासनिक कार्रवाई है पुलिस की जो कर रही है और पुलिस जो करेगी ठीक ही करेगी। कहना कहीं मेरठ पुलिस की लापरवाही रही? नहीं, कार्रवाई इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मेरठ पुलिस की तरफ से कोई जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तो तुरंत हो रही है, और जैसे ही ये मामला हुआ मेरे ख्याल 5 से 10 मिनट में कप्तान और सब लोग यहाँ थे,